नमस्कार, केकेआर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूँ आरती गहलोत। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। सिवनी लखनादौन में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया ईद उल अजहा। आज लखनादौन शहर में समस्त मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद उल अजहा की बधाई एवं शुभकामनाएं दी। आज जामा मस्जिद के इमाम जनाब मौलाना इरफान खान एवं जनाब इब्राहिम बाबा के साथ सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एक साथ नमाज कर मुबारकबाद दी। केकेआर न्यूज़ के लिए सिवनी से ब्रजेश शर्मा की रिपोर्ट। सबको ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं और बड़ा ही अल्लाह ने हमें ईद उल अजहा की नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाई और अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ईद उल अजहा के सदके वसीले से इन लोगों के हिंदुस्तान में अमन सुकून बनाए रखे। हम सभी के लिए दुआएं सलामती करते हैं, अल्लाह सब पर सलामती अता फरमाए, हमारे मुल्क हिंदुस्तान की हिफाजत फरमाए और सभी को हमारी तरफ से जमात वालों की तरफ से हम जो है ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद खैर आबाद देते हैं। जनाब प्रवेश प्रारंभ होली आर्ट कॉन्वेंट हाई सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से टू 12 बेच बायो साइंस एंड कॉमर्स फिर से चीफ स्टाफ के साथ नियमित सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधि 144 अशोका कॉलोनी रॉयल मार्केट भोपाल।